दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इस्माइल ढक्की और आज जो है वो 30 मई 2020 का खूबसूरत और ठंडा दिन है और इस वक्त जो है हम मौजूद हैं अपने ढक्की डेट फार्म के ऊपर और हमारी स्किल्ड लेबर जो है वो पौधे निकाल रही है। साथियों, ढक्की जो है वो डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का एक गांव है जो हमारा गांव है और ये खजूर जो आप देख रहे हैं ये ढक्की खजूर है। अभी ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है और ये लेट वैरायटी है। सितंबर में जाके जो है इसके हार्वेस्टिंग सीज़न स्टार्ट होता है। अभी ये जो हम पौधे निकाल रहे हैं ये पौधे मदर पाम से डायरेक्ट निकाले जा रहे हैं और ये स्किल्ड लेबर ही काम कर सकती है। ये एक टेक्निकल काम होता है, देखना पड़ता है कि पौधा पक्का है, उसकी जड़ें कन्फर्म हैं और दरख्त के साथ निकालते वक्त ना तो दरख्त को नुकसान पहुंचे और ना पौधे को नुकसान पहुंचे। सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है और फिर उसके बाद जो है वो पौधे से यानी बड़े दरख्त से पाम से डिटैच किया जाता है छोटे पौधों को। ये जो छोटे पौधे निकाले जाते हैं इनको ऑफ शूट या सक्कर कहा जाता है और ये लगाने का सीज़न जो बेस्ट सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है मई से लेके अगस्त तक, यानी मई टू अगस्त, मई या मई टू अगस्त ये लगाए जाते हैं और ये लगाने का बेहतरीन सीज़न है। और ये आप ढक्की खजूर का फल देख सकते हैं। ढक्की खजूर जो है वो अपनी साइज़ और टेस्ट की वजह से यूनिक है, यानी इस साइज़ की खजूर जो है वो पाकिस्तान में और मौजूद नहीं है। मेडजूल कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी साइज़ है और ढक्की खजूर उसी साइज़ की है, बल्कि टेस्ट और जायके में उससे कहीं अच्छी है। तो ये जो पौधे निकाले जा रहे हैं ये हमने सिंध के ऊपर भेजने हैं और ये पौधे जो है वो निकाल के इस सीज़न में जब लगाए जाएंगे तो इंशाल्लाह ये उगेंगे और वहाँ पे फल देंगे और वो लोग दुआ करेंगे। एक पौधा जब लगाया जाता है तो उससे मज़ीद जो है वो 15-20 और पौधे पैदा होते हैं जिससे बाद में ऑर्चर्ड्स को बढ़ाया जा सकता है। तो ये पौधे निकालना बहुत ही मुश्किल और टेक्निकल काम है और उसके लिए टेक्निकल लेबर ही जो है वो अपना काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो स्किल्ड लेबर है और हम जो पौधे प्रोवाइड करते हैं ऐसा कोई भी नहीं करता कि बॉन्ड स्टाम्प पेपर देता हो कि हमने जो नस्ल दी है उसके फल के आने तक ज़िम्मेदार रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम A1 ढक्की क्वालिटी ही देते हैं और ढक्की के अलावा हमारे पास 20 और नस्लें हैं। अगर कोई उनकी डिमांड करे तो हम वो प्रोवाइड करते हैं और उनका भी लिख के देते हैं कि ये फ़लां नस्लें हैं, जबकि जब हम ढक्की प्रोवाइड करते हैं तो उसका हम जो है लिख के देते हैं कि ये हम ढक्की दे रहे हैं और वी रिस्पॉन्सिबल टिल फ्रूटिंग के फल के आने तक हम जिम्मेदार रहेंगे। तो ये दो तीन जगहों पे आज हमारी लेबर लगी हुई है और चूंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो काफ़ी जो है काम का प्रेशर है। ऊपर से कभी ना कभी मौसम भी हायल हो जाता है, जब तेज़ बारिश हो जाए या मसला बन जाए तो खेतों में पानी आ जाता है और उसी जो है बारिश की वजह से दरख्त से पौधे निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेबर काम नहीं कर सकती। तो मौसम आज बना हुआ है, देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। ये हमारी स्किल्ड लेबर जो है लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ढक्की खजूर का जो दरख्त है वो हाइट में कम होता है, आप देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पे आपको दरख्त दिखाए जा रहे हैं हमारे फार्म के ऊपर इन्होंने फ्रूट उठाया हुआ है, जबकि आप इनकी हाइट देख सकते हैं कि हाइट काफ़ी कम है और नीचे पौधे भी हम निकाल रहे हैं। आप पौधों की हाइट देख सकते हैं। ढक्की खजूर का जो तना है या ट्रंक है वो काफ़ी मोटा होता है, जबकि इसकी जो हाइट है वो कम होती है। इसकी ये सबसे बड़ी निशानी है कि खजूर भी का फल भी मोटा है और इसके साथ साथ इसके जो दरख्त है वो भी विड्थ में काफ़ी होता है, जबकि इसकी हाइट कम होती है। तो ये आप काफ़ी अरसा तो आप बग़ैर दरख्त के ऊपर चढ़े जो है आप फल ले सकते हैं।
और ये तो इनिशियल स्टेज के ऊपर आप देख रहे हैं, छोटे पौधे हैं, लेकिन जब आप बड़े दरख्त का फल देखेंगे और सीज़न में देखेंगे और हार्वेस्टिंग सीज़न में देखेंगे, तो आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने जो है हमें एक खूबसूरत तोहफे से नवाजा हुआ है। ढक्की गांव जो है ये डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में मियाँ वाली टू डी आई खान जो रोड है, जिसे चश्मा रोड कहा जाता है, उसके ऊपर वाक़े है। चश्मा बेराज और डेरा इस्माइल खान सिटी से जो है इसका डिस्टेंस बराबर है, यानी ये दरमियान में वाक़े है, 50-50 किलोमीटर का तकरीबन फासला है। तो मियाँ वाले से भी आप आ सकते हैं, आप डेरा इस्माइल खान सिटी के थ्रू भी आ सकते हैं। तो आप जो है हमें जिस तरह का ऑर्डर करेंगे, हम आपको पौधे प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन हमसे जो है वो रابطہ करें, हम इंशाल्लाह आपको A1 क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और साथ में बॉन्ड स्टाम्प पेपर देते हैं। और अगर किसी को मसला होता है पौधे लगाने में, तो हम जो अपनी स्किल्ड लेबर है वो भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जाके वो पौधे लगा भी देते हैं। और अगर किसी दोस्त को कहीं खजूर के हवाले से मसाइल होते हैं, तो हमारा नंबर जो व्हाट्सएप स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, आप रابطہ करें, इंशाल्लाह हम फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा देंगे और मशवरा जो है अच्छा देंगे। खजूर के बनाने का अगर किसी दोस्त को तरीका नहीं आता, किसी दोस्त को छुहारा बनाने का तरीका नहीं आता, तो हम ज़रूर गाइड करेंगे, हम तरीका बताएंगे। हमारे जो ये जो फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के ऊपर दिया गया है, उसके ज़रिए आप जाके हमारे पेज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें खजूर बनाने का तरीका है, जिनमें छुहारा बनाने का तरीका है, और मज़ीद पौधा निकालना कैसे है, पौधा लगाना कैसे है, पौधों की पोलिनेशन कैसे की जाती है, यानी नर कैसे लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हमारे पेज के ऊपर मिल जाएंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ढक्की खजूर जो है, देखें आप, पाकिस्तान में पानी जो है वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन, और ज़रात के हवाले से आप देखें कि फसलों से वो इनकम नहीं मिल रही किसान को, और वो मुआवजा नहीं मिल रहा जो उसका हक है। हमारी आप देखें ज़रात जो है वो रीढ़ की हड्डी है, और बहुत ज़्यादा आबादी ज़रात के साथ मुंसलिक है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ की तरफ आएं, कि हम ऐसी चीज़ें उगाएं जिससे हम देखें, आप नीचे इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और अच्छी फसलें और भी उगा सकते हैं, और आप साथ में खजूर का भी मुनाफा ले सकते हैं। तो ये हम अपने फार्म से लोडर के ज़रिए या फिर गधा गाड़ियों के ज़रिए निकालते हैं पौधे, क्योंकि यहाँ पे खाले होते हैं और यहाँ से निकालना मुश्किल होता है। फिर हम एक स्पॉट के ऊपर इन पौधों को जमा करके ट्रक में इनको लोड करते हैं। तो ये जो पौधे हैं, ये ऑफ शूट शक्कर हैं, जो कि दरख्त से डायरेक्ट जुदा किए जाते हैं। इसके बाद एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें हम नर्सरी वाले पौधों को आपको दिखाएंगे, कि नर्सरी वाले पौधे भी हमारे पास काफ़ी मिकदार में हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप देख पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज को लाइक करेंगे, हमारे साथ इन टच रहिएगा। हम आपको ऐसी बहुत सी खूबसूरत वीडियोस दिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धरती पे लौट।
एक गाड़ी था ना। बच्चा पति आने वाले